हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2019 की आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हो मंगलमय हो। अब हम चलते हैं हमारी आज की डिस्कशन की तरफ। तो 1 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है उज्ज्वला सैनिटरी नेपकिन इनिशिएटिव के बारे में। तो क्या यह इनिशिएटिव है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, कंटेक्स्ट ये आया है कि 3 ऑयल मार्केटिंग प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं। एक है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक है यहाँ पे BPCL और एक है यहाँ पे HPCL। BPCL का मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और HP का होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन 3 कंपनीज ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उज्ज्वला सैनिटरी नेपकिन इनिशिएटिव। तो यह हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, ये किस तरीके से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। देखो, आपको पता है कि जो कंपनी कुछ कंपनीज होती हैं उनको CSR के थ्रू, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत कुछ पैसा उनको वहाँ की सोशल एरिया में या सोशल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होता है। तो इसी CSR इनिशिएटिव के तहत इन तीनों कंपनीज ने उज्ज्वला सैनिटरी नेपकिन इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है, कहाँ पे, उड़ीसा में। तो यह ध्यान रखना कि ये इनिशिएटिव ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट नहीं किया गया इन कंपनीज के द्वारा, ये स्टार्ट किया गया है ओनली और ओनली उड़ीसा में। इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो यह कि एक तो वुमेन को एजुकेटेड किया जाएगा इसके बारे में, फीमेल हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में। देखो, हर साल हमारे देश में वुमेन हाइजीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं और उनकी रिजल्ट ये होता है कि काफ़ी सारी वुमेन की डेथ है वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फीमेल हाइजीन, जब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उस दौरान साफ सफाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसी को लेके ध्यान रखते हुए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसका मेन मोटो यहाँ पे ये रखा गया है कि लो कॉस्ट इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो, इसके बारे में कुछ डाटा दिया गया है फैक्चुअल कि जैसे कंपनीज है वो 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह स्टार्ट लगाएगी, तो ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इसके साथ ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी वुमेन है इनको यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि अगर एक एक सेंटर बनाए जाएंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर, वहाँ पे ऑब्वियसली वर्कर्स की जरूरत होगी, तो वहाँ पे वुमेन वर्कर को रखा जाएगा, तो ये बेनिफिट होने वाले हैं। इसके साथ इसमें दिया गया है कि जो नेपकिन पैड का जो बॉक्स होगा उसकी 40 रुपये पर पैकेट प्राइस रखी गई है, उसमें 8 पैड वगैरह होंगे। तो ये तो सब बेसिक डिटेल्स हो गई हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे यहाँ पे वो 100% बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जिससे क्या होगा, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका लेवल काफ़ी कम रहेगा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू कंटेक्स्ट पंचायती एंड अर्बन बॉडीज इलेक्शन के बारे में। कंटेक्स्ट देखो, ये आया था कि कुछ टाइम पहले ही आपको बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा के जो पंचायती इलेक्शन होते हैं, लोकल पंचायत हम बोल सकते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं अर्बन बॉडीज़ की, उनमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी सरपंच वगैरह जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे उनके लिए एजुकेशन है वो मिनिमम उनके पास एजुकेशन का कैटेगरी होना चाहिए। जैसे ये प्रावधान किया गया था कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी पर्सन सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो वो एटलीस्ट 8वीं पास होना चाहिए, और अगर SC और ST का कोई कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है तो उसको कम से कम 5वीं पास वो होना चाहिए, तभी वो सरपंच के इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये रूल लाया गया था बेसिकली उस टाइम पे BJP गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी यहाँ पे राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हुई है और उस गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी को स्क्रैप है वो कर दिया गया, इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे हवाला भी रिसेंटली ये दिया गया है कि जो हमारे संविधान में 73 और 74 अमेंडमेंट के तहत जो पंचायती इलेक्शन की बात की गई थी, ये उस रूल के खिलाफ है, जो उसकी आत्मा है संविधान की उसके अगेंस्ट है कि आप किसी को भी सरपंच और पंच के इलेक्शन वगैरह में आप इस तरीके से रोको कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप यहाँ पे सरपंच के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो ये हमें थोड़ा सा फेंक था, तो हम इसका कहीं यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अभी ये ध्यान रखना है कि केवल राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से स्केप किया है, बाकी अदर स्टेट ने नहीं किया है। तो सबसे पहले जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो लाया गया था अर्बन बॉडीज में, वो लाया गया था हरियाणा के द्वारा। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो पहले तो हम जानते हैं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या। देखो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जाना जाता है मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। देखो, इंडिया में आपको पता है कि 1960 के दशक में आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई थी, और उसका मेन मोटो क्या था कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट खाद्यान्न है उसकी सिक्योरिटी को हम सिक्योर कर सकें, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। उसके हर फेज में अलग अलग मोटो रखे गए थे, बट मेन मोटो उसका ऑल ओवर ये था कि हम हमारे देश को खाद्यान्न के मामले में स्वतंत्र रख सकें, हमें बाहरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होना पड़े।
बाकी इसके साथ अदर मोटो ये थे कि पॉवर्टी को कम करना है, इसके साथ ही भूखमरी को कम करना है और जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, और जो फार्मर्स हैं उनकी भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनकी इनकम है वो भी बढ़े और उनको अच्छा प्रॉफिट हो सके, तो इसके साथ ही इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है जो राइस फार्मर की, इन सबको फोकस है वो किया गया था और ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था इंडिया में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत ही, तो यह हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इंडिया की जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR है उसके साथ मिलकर काम करती है ताकि इंडिया के अंदर इस तरह के चावल की किस्म लाई जा सकें जो सूखे के प्रति प्रतिरोध हो, मतलब सूखे के अगेंस्ट वो काम कर सकें, या फिर जब भी फ्लड वगैरह आ जाए तो उस फ्लड में भी वो फसल खराब ना हो। इसके साथ ही जैसे कि नमकीन पानी हो तो उसमें भी शायद जो राइस है चावल है उसकी पैदावार अच्छी हो सके, तो इन सब को लेके अच्छी फसल है अच्छी क्वालिटी की फसल है वो पैदा करने की बात यहाँ पे कोशिश है वो जारी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो सेंटर है इंडिया में वो बनाया गया है वाराणसी में, जिसका काम क्या है कि जो इंडिया में फार्मर्स हैं राइस फार्मर्स हैं उनकी राइस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इसी के साथ ही प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है इसको कम किया जा सके और राइस में वैल्यू एडिशन किया जा सके, राइस में फूड फोर्टिफिकेशन भी इंक्लूड किया जाए, इसके साथ ही जो फार्मर्स की स्किल है उसको भी इम्प्रूव किया जाए ताकि जो राइस फार्मर्स हैं उनको अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो ये था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हम चलते हैं इसके बारे में कंटेक्स्ट के बारे में। कंटेक्स्ट अभी यह है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उन्होंने 6th इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि साउथ एशिया रीजनल सेंटर यानी ISARC है उसको में भी सबमिट हुआ है, तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे इंडिया में इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है इंडिया में कहाँ पे, वाराणसी में, और इसी के साथ ही जो ये IRRI है ये इंडिया की नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है इसके साथ मिलके काम है वो कर रही है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि जो इंडिया में नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ना इसी के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑफिस है वो बनाया गया, तो इसके हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ मिलकर भी ये कोलाबरेशन में काम है वो करती है। काम क्या है इसका, इसका काम ये है कि राइस के एरिया में रिसर्च करती है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है कहां पे, साउथ एशिया और सार्क रीजन के बीच में। इसके साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट और दिए गए हैं कि जैसे फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर है ईस्टर्न एशिया में उसका भी मेन मोटिव ये था कि राइस प्रोडक्शन को इम्प्रूव है वो किया जा सके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखना कि ये नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है एशिया का लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इन एशिया, तो ये UPSC इसके बारे में स्टेटमेंट के थ्रू हमें पूछ सकती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है MSP के बारे में, तो हम जानते हैं कि MSP है क्या। देखो MSP के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है ताकि जो किसान हैं उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिल सकें। अब देखो होता क्या है, थोड़ा इश्यू से समझते हैं बैकग्राउंड के साथ। देखो जब किसान फसल बोते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि यार ये फसल हमारी कैसे भी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं गेहूँ का, जैसे किसान गेहूँ की फसल बोते हैं तो उनको क्या लगता है कि यार पता नहीं फसल बन के तैयार होगी जब मार्केट में जाएगी तो क्या रेट रहेंगे, तो उनके मन में काफ़ी एक तरीके से डर भी रहता है कि हम इस फसल को बोएं नहीं बोएं, इस डिमांड कैसी रहेगी, तो कई बार क्या वो इस असमंजस में ढंग से फसल नहीं बो पाते और उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है उनको पहले ही इंश्योरेंस दे देती है। ये ध्यान रखना जब किसान फसल बोते हैं उससे पहले ही MSP डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसे कि रबी की बुआई होती है बुआई से कुछ टाइम पहले ही MSP डिक्लेयर कर दी जाती है कि हाँ भाई इस बार से कि गेहूं की फसल है उसकी MSP रहेगी 2000 रुपये, तो मतलब किसानों के पास टाइम होता है कि वो आराम से सोच के फसल बोलें कि यार अगर हम यहाँ पे गेहूं की फसल बो रहे हैं तो हमें 2000 रुपये तो एटलीस्ट गवर्नमेंट पक्का देने वाली है पर क्विंटल, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने वादा कर दिया है। अगर मार्केट में उससे ज़्यादा रेट रही तो वो किसान बाहर बेच सकते हैं, अगर मार्केट में रेट है वो MSP से कम रेट पर मतलब चावल गेहूँ बिक रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 1600-1700 रुपये के हिसाब से गेहूँ बिक रहे हैं, तो फिर किसान है वो MSP के थ्रू जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट खरीद करती है फसलों की वहां पे बेच सकते हैं। इसलिए MSP का काफी अहम रोल होता है किसानों की इनकम बढ़ाने में। तो अब हम यहां पे जानते हैं कि MSP एक तो कौन तो रिलीज करता है और क्या इसके लिए बेसिक फैक्ट है। देखो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वो तो MSP को अनाउंस करती है, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है इसका जो अनाउंसमेंट है घोषणा है वो की जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। बट यहाँ पे जो कंसल्टेशन या जो एक तरह से रिकमेंडेशन दी जाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को वो दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यह ध्यान रखना है कि जो CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वो MSP को डिक्लेयर करती है कि भाई इस साल की इस फसल की MSP है वो ये रहेगी ताकि किसान आराम से फसल को बो सकें और उनको प्रॉफिट है वो हो सकें।
तो यह कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखनी है। अब जो CACP है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या करती है, मार्केट में देखती है कि हालात कैसे हैं, कि भाई इस बार फसल की डिमांड कैसी हो सकती है, पिछले साल पैदावार कैसी हुई है, इस बार इन्वायरमेंट कैसा है, बारिश वारिश कैसी होने वाली है, उन सारे पैरामीटर्स को देख के ही ये MSP है वो रिकमेंडेशन के तौर पर मतलब एक तरीके से डिस्कस की जाती है कि हाँ भाई इस बार हम इस चीज़ की MSP वो इतनी रखेंगे। अभी कंटेक्स्ट यह है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने 17 जो माइनर प्रोडक्ट जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूसर हैं उनको भी बेसिकली मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में इंक्लूड है वो किया है, जिसमें एग्जांपल दिया गया यहाँ पे महुआ फ्लोर, तेज पत्ता और जो कोकुम है ड्राई कोकुम, इनको भी MSP में शामिल किया गया है। तो UPSC देखो एक तो ऐसे पूछ सकती है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो भी MSP में शामिल है या नहीं है, या फिर ओनली ऑयल जो सीड्स हैं वो भी शामिल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, 17 प्रोडक्ट को भी डिक्लेयर किया गया है MSP के तहत। तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो 2019वां सेशन है वो पंजाब के जालंधर में आयोजित किया जाना है 3 से 7 जनवरी के बीच में। ये तो है कंटेक्स्ट। और इंडियन साइंस कांग्रेस है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइंस मीटिंग है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जो साइंस की मीटिंग होती है सबसे बड़ी वो है इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि इंडिया के जालंधर में इस बार आयोजित है वो हो रही है। थीम इस बार की रखी गई है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये होगी इसकी थीम। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडियन साइंस कांग्रेस को आयोजित कौन करता है, इसका मेन मोटो क्या है। देखो इंडियन साइंस कांग्रेस को आयोजित किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा, जो कि इसको स्टार्टिंग से ही ऑर्गेनाइज है वो करता है। और ये स्टार्ट ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद हुई है, आज़ादी से पहले इसको ब्रिटिश दो केमिस्ट थे उनके नाम पे, जैसे एक तो थे प्रोफेसर जे एस सिम्सोन और एक थे प्रोफेसर MS मैकमोहन। तो इन दोनों प्रोफेसर जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, इन दोनों के नाम पे ही है, इन दोनों ने ही बेसिकली इंडियन साइंस कांग्रेस की स्टार्टिंग है वो की थी। अब यहाँ पे बात आती है इसका मेन मोटो क्या है। देखो इंडियन साइंस कांग्रेस का मेन मोटो ये है कि जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेनिफिट हैं सोसाइटी के लिए हो सकते हैं, उन बेनिफिट के बारे में डिस्कशन किया जाए, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, और इस तरीके की पॉलिसी है, इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से सोसाइटी का भला हो सके। तो इसलिए ये कांग्रेस है वो स्टार्ट की गई थी। और इसकी जो पहली मीटिंग है वो अभी हम बात करें यहाँ पे, वो कांग्रेस की हुई थी 15 से 17 जनवरी के बीच में, जो हुई थी 1914 में। तो यह ध्यान रखना है कि 1914 में इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, और ये हुआ था उस टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी जो कि कलकत्ता में थी उस एरिया में। तो यह हमें कुछ फैक्ट ध्यान में रखने इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। आज सबसे पहले हमने उज्ज्वला सैनिटरी नेपकिन इनिशिएटिव के बारे में जाना, इसके बाद हमने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड का कंटेक्स्ट था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में राजस्थान का, उसको स्टेप पॉलिसी के बारे में जाना, इसके साथ ही हमने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, और हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि किसानों को किस तरीके से बेनिफिट पहुँचा सकती है इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में कि उसका 2019वां सेशन है वो इंडिया के जालंधर के पंजाब में आयोजित है वो किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइंस गैदरिंग मीटिंग है वो होती है। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।